मोहब्बत के महासंगम में आज देखिए, औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक मिलना चाहिए। हो सकता है कि हम सबके घर वाले हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटे। शुक्रिया आप लोगों का, कल शादी के लिए तैयार हो गए। थोड़ा और टाइम मांग लो। तूने हाँ कही ना सबके सामने। तुम अपनी बहन की जिंदगी के साथ क्यों रिस्क लेना चाहते हो? Exactly. मैं उसके लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे श्रुति की शादी में अड़चन आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? आप लोग रुखसार की शादी में क्यों नहीं आए? पता है हमने कितना इंतजार किया। अम्मी भी आप लोगों के बारे में पूछ रही थी। बेटा इसीलिए तो तुम्हें फोन किया, ये बताने के लिए कि दोपहर से ही ना तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ अब्बा को? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मा नाहक यूं ही परेशान हो रही हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। शरिया बोर्ड ने ना ढेर सारा काम इनके कंधों पे डाल दिया है। बेचारे काम कर करके थक गए हैं बुरी तरह। अब्बा आपको इतना काम नहीं करना चाहिए ना। और तुम दोनों भी तो शरिया बोर्ड से गायब हो ना। तुम भी नहीं आती और ना ही इनके नायब काजी। अम्मा फिक्र ना करें, हम भी शरिया बोर्ड आएंगे और नायब काजी भी इंशाल्लाह, घर भी आएंगे और शरिया बोर्ड भी। अब्बा ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई ये कमबख्त फर्जी नीलों पर? क्या हुआ? अम्मा अब्बा से बात हो रही थी। हाँ तो अब्बा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सब हमारी गलती है, हम नायब काजी है और हम ही नहीं जा रहे, मगर ये सब प्रोजेक्ट रुखसार शादी सब कुछ की वजह से हमारा ध्यान कहीं और था। गलती हमारी भी है कभी नहीं। कौम के लिए इतना कुछ सोचा था और कुछ नहीं कर पा रहे, अपने में ही उलझ के रह गए। तो फिर कल शरिया बोर्ड चले। हमें किसी के बारे में कुछ जानना है, कौन है, कहां से आई है, क्या करती है, सब कुछ। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? तुम्हारे बारे में। Well, हम तो यही हैं। और अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे पूछिए ना, दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? चलो तुम ही से पूछ लेते हैं कि कौन हो और यहां क्या करने आए। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? शहबाज हो, कबीर, कशान? अब पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। ना ही हम शहबाज हैं, ना ही कबीर और ना ही कशान, मगर तुम्हारी तरह हम इस घर में बिन बुलाए मेहमान भी नहीं है। पॉइंट पर तुम्हें कैसे पता कि हम यहां बिन बुलाए हैं या फिर बुलाए गए? हवा में बातें करना बंद करो, तुम्हें कौन बुलाएगा इस घर में? पेट्रोल से नहाने वाले दूसरों पर आग नहीं फेंकते विराज साहब।
ये रखो, जीनत और उत्सार को डराने के लिए बहुत काम आएगी आपके। विराज, हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। कहीं जाना है हमें? हाँ कबीर, वो हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए अभी कानपुर के लिए निकलना होगा। तुम एक काम करो, उसे यहीं बुलवा लो, शाम में मिल लेंगे। नहीं कबीर, हमने कोशिश की लेकिन वो आज रात को ही मुंबई के लिए निकल रहा है और वो 10 दिन बाद लौटेगा। कबीर, हम 10 दिन तक उसका इंतजार नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं मगर ये मुमकिन नहीं है क्योंकि शरिया बोर्ड में तो बहुत जरूरी काम बाकी है, कई केसेस पेंडिंग है। हमें लगता है कि बेहतर होगा। कबीर, एक काम करो, तुम मिराज के साथ चले जाओ। शरिया बोर्ड की जिम्मेदारियां हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। और वहां जो लेकिन कुछ सारा भाभी, हमें आपकी भी जरूरत, क्योंकि प्रोजेक्ट एरिया के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबकी NOC तो आप ही करवाएंगे ना। उसके बगैर तो कबीर आगे काम हो ही नहीं पाएगा। आप लोग अपने अपने काम पर चले जाइए, NOC हम करवा लेंगे। और अब हम जब प्रोजेक्ट के हिस्सेदार भी बन गए हैं तो इतना तो हक बनता है हमारा, है ना भाईजान? मगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। पहले जाकर कुछ सीखो फिर कुछ करना। प्लॉट का साइज 298 मीटर 6 इंच 8 सेंटीमीटर है। प्लॉट का नक्शा बन चुका है, म्यूनिसिपैलिटी का अप्रूवल आना भी बाकी है। प्लॉट के मुताबिक 6 बच्चों के क्लासरूम, 2 टीचर्स रूम, 1 खेल का मैदान, 4 बाथरूम, 4 पानी के बोरिंग हैंडपम्प, 4 200 लीटर के सिंथेटिक टैंक्स और 11 घर ऐसे हैं जिनकी NOC करवानी बहुत जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट कबीर साहब का ख्वाब है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मिराज भाईजान ने ही बताया था। लगता है भूल गए। तो फिर ठीक है, तुम ये सारा काम संभालो, जारा तुम शरिया बोर्ड जाओ और मिराज हम और तुम कानपुर जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नई वाली मैडम पे नजर रखना, घर में भी और घर के बाहर भी, और कोई भी हरकत हो तो हमें आके इत्तला करना। कहाँ जाना चाहती हैं आप मेम साहब? आप अपना रास्ता देखिए जनाब, अगर हमारे शौहर ने हमें किसी पराये मर्द के साथ देख लिया ना, आपकी खैर नहीं। हम आपके आदमी से तो निपट लेंगे, आपको कहाँ जाना? आप जानते नहीं हैं हमारे शौहर को। आप हमें नहीं जानते। मेराज कहाँ है? उसे रास्ते से ले लेंगे, कोई काम से गया है। बेहतर होगा कि आप हमें किराया रास्ते में ही दे दें। हमारे शौहर से मांग लीजिएगा, वो आपके घर पहुंचा देंगे। वैसे लोग कहते हैं आपका शौहर बहुत गरीब है। गलत सुना है जनाब आपने, दिल से बहुत अमीर है। अल्लाह हाफिज। शरिया बोर्ड में इतनी हलचल क्यों है आज?
आप लोग तशरीफ रखिए। आज शरिया बोर्ड में एक बहुत ही अर्जेंट केस आया है। मामला बहुत ही नाजुक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस के लिए एक सब कमेटी बनाई जाए, क्योंकि केस औरतों ने किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस कमेटी का चेयरपर्सन जरा आपको बनाया जाए। आपको कोई एतराज? जी नहीं, कोई एतराज नहीं, मगर केस क्या है? शहर की कुछ औरतें चाहती हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक उन्हें भी मिले। हमें लगता है इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हम खालिद साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं। जारा बेटी, जिन औरतों ने ये केस किया है, आप उन्हें समझा बुझाकर केस वापस लेने के लिए राजी कीजिए। हमें लगता है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी डिमांड नाजायज नहीं है, लेकिन इस वक्त ऐसी बातों के लिए हालात मुनासिब नहीं है। जारा बेटा, फिलहाल इस मुसीबत को टाली देना चाहिए। हाँ हाँ, टाल देना चाहिए, यही मुनासिब है। ठीक है, अगर आप सबकी यही राय है तो जारा आप उन औरतों को एक बार समझाइए। हम शाम को शरिया बोर्ड की मीटिंग में फिर मिलेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बने बनाए निजाम के खिलाफ क्यों जाना चाहती हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपका ये कदम मुल्क का माहौल बिगाड़ सकता है? औरतों के हक की बात करने से मुल्क का माहौल कैसे बिगड़ेगा? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना तो हमारा दीनी हक है, तो हमसे हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? दुबई, सऊदी अरबिया जैसे मुस्लिम मुल्कों में औरतों को नमाज पढ़ने की मस्जिद में जगह दी जाती है। हमने वहाँ खुद नमाज पढ़ी है, हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? हम में से कई औरतों ने अपने शोहरों की इजाजत लेकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश भी की है, पर हमें तो मस्जिद में जाने ही नहीं दिया गया। अब आप शरिया बोर्ड से क्या चाहते हैं? हम शरिया बोर्ड से ये चाहते हैं कि शरिया बोर्ड हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दिलवाए, क्योंकि जिस बात से हमें हमारा मजहब नहीं रोकता, उस बात से हमें क्यों तोला जा रहा है? ठीक है, हम सोच समझ के मस्जिद कमेटी से बात करेंगे, फिर ही कुछ फैसला लेंगे। तो क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? इंसानों पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करिए। वो किसी की तरफदारी नहीं करते, सिर्फ इंसाफ ही करते हैं। और आप लोग बेफिक्र होके जाइए, हम खुद इस मामले पर तहकीक करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार, मेरा घर के मामलों में उलझ कर बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब हमें तेजी से काम करना पड़ेगा। हाँ कबीर, इसलिए तो हम तुम्हारे सारे काम छुड़वाकर तुम्हें खानपुर लेकर चल रहे हैं। सर, मैडम घर से बाहर निकली थी, थोड़ी दूर तक नजर आई और फिर गायब हो गई। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर का मैसेज आया, बोला कि कुछ इमरजेंसी हो गई है तो आज मिल नहीं पाएगा, कल अपने एसोसिएट को भेजेगा। अल्लाह जो करते ना, बेहतर के करते हैं। हाँ, गाड़ी वापस घुमा। ठीक है। इस मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने का कुछ इंतजाम है क्या? औरतें घर पर नमाज पढ़ें, उन्हें मस्जिद आने की क्या जरूरत है? और अगर कोई औरत सफर पे हो, उसका घर बहुत दूर हो, इस मस्जिद के पास हो, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए मोहतरमा, मजहब के बारे में ज्यादा सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। जो मना है बस मना है, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, मानना पड़ेगा जारा बेटी की काबिलियत को, इतनी जल्दी वापस आ गई। उन औरतों को तो मना ही लिया होगा। जारा, बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश करो। जी। हमने उन तमाम औरतों से बात की, उनकी उनकी शिकायत भी सुनी, उस खास मस्जिद भी गए और बाकी मस्जिदों के भी जिम्मेदार लोगों से बात की और अपनी खुद की भी रिसर्च की। इस मामले को अच्छी तरह समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें उन औरतों की शिकायत पर गौर फरमाना चाहिए और हमें लगता है कि उनकी मांग जायज है। जारा, हमारे यहाँ औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती और इसके लिए एक जायज वजह भी है। औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती ये अलग बात है और औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती ये दूसरी बात है, और हमें लगता है कि ये दूसरी बात जायज नहीं है। औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक मिलना चाहिए। फिर वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े ना पढ़े, वो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं जरा बीबी कि अब तक जो भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है? जी नहीं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें इस मामले को बिना जाने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस मामले पर, इस केस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। क्योंकि हमने इस केस की जिम्मेदारी जारा कबीर अहमद को सौंपी थी, इसलिए उनका मशवरा मानते हुए हम इस केस को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस केस पर किसी और वक्त बहस होगी। जी। देखिए, हमने आप लोगों के केस को शरिया बोर्ड की हेयरिंग तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब आप लोगों को अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। हो सकता है कि आप लोगों पे बहुत प्रेशर आए, लेकिन हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि हम सबके घर वाले, हमारे शौहर, हमारे बच्चे हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन बिना बदतमीजी किए हमें उन्हें यह समझाना है कि हमारी हक की लड़ाई सही है। तुम हमारी औरतों को भड़का रही हो? हाँ, क्या ये सब, ये आप क्या कर रही हैं? काजी की बेटी हमारी मदद कर रही है और आप उसे धक्का दे रही हैं? उनसे लड़ो मत, उन्हें समझाओ जाके कि उनका हक क्या है। आप आइए मेरे साथ। जारा, ये चोट, ये लोग कौन थे, क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, बस खरोच आई है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब वो हमारे प्रोजेक्ट का काम अभी खत्म हुआ है ना, तो
हम यहीं से गुजर रहे थे पर तुम्हें तो काफी चोट आ गई है। चलो हम घर चल के तुम्हारी फर्स्ट एड करते हैं। वेदिका माथुर की बेटी का नस तो याद है ना, इस बार उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। चुपचाप लड़के के पास जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो। चार दिन में बारात लेकर आ रहा हूँ मैं। कल ही श्रुति की शादी होगी, जाके लड़के वालों से कह दो कि हम 3 दिन इंतजार नहीं करेंगे। शादी होगी तो मेरे घर आएगी, रहेगी पुनीत जी के साथ। क्या हो गया श्रुति? क्या हुआ? अच्छा बड़ी अमन थप्पड़ मारा इसलिए रो रही है। देख श्रुति मैं जानता हूँ उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन उन्हें ये बात अभी अभी पता चली है, तो कहने की उनका गुस्सा होना जायज है और हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी तबीयत अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन ये तो सोच आगे के बारे में, अब एक दिन में तेरी शादी है। वैसे मैं तुझे 4 दिन बाद मिस करने वाला था, लेकिन अभी मुझे 1 दिन बाद ही मिस करना पड़ेगा। क्यों रो रही है तू? कानपुर में मेरे साथ ही होगी, मैं तेरे घर कभी भी टपक सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि तू मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। श्रुति मैं प्रेरित से बात करूंगा, उसे तेरे बीते हुए कल के बारे में आज के बारे में सब बताऊंगा, सब सही हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रही है? तेरी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी श्रुति, ये तेरे भाई का वादा है। मैं हूं ना, हमेशा रहूंगा तेरे साथ। अभी तू बहुत खुश होगी अपनी शादी में, ट्रस्ट मी। आई विश मैं तुम्हें बता पाती भाई ये शादी मेरे लिए कितनी बड़ी सजा होगी। काश मैं तुम्हें सच बता पाती। शुक्रिया आप लोगों का कि आप कल शादी करने के लिए तैयार हो गए। असल में हमारे एक खास ज्योतिषी हैं जिनकी बात हम बहुत मानते हैं। उनका कहना है कि कल का मुहूर्त लड़का लड़की के लिए बहुत शुभ है। अरे नहीं बड़ी अम्मा, शुक्रिया की क्या बात है, शादी आज हो कल हो या परसों क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपनी बहू घर लाने से मतलब है। और वैसे भी श्रुति जैसी गुणी और संस्कारी लड़की आजकल मिलती कहाँ है। इतना कुछ जल्दी हो गया, मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन थोड़ी बेवकूफ है लेकिन बहुत भोली है, उसने गलतियां की है लेकिन वो रिलैक्स आ गया। देखिए इस उम्र में गलतियां किससे नहीं होती। अब श्रुति का पास जो भी है मुझे नहीं जानना, मैं तो उसके साथ अपना कल बनाना चाहता हूँ और एक्चुअली आई रियली लाइक हर, तो आई प्रॉमिस यू मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। नो श्योर, तुझसे बेटर हस्बैंड नहीं मिलेगा उसे। कांग्रेचुलेशंस। जैसे जैसे हम डबरू बजाएं तो खुद की मारते रहो। उन अग्रवालों को इस बात की भनक भी नहीं है कि उनके जीवन में क्या भूकंप आने वाले हैं। श्रुति आ गई। आज खुश हो ले साहिल अग्रवाल, तू जानता नहीं है तेरी बहन के साथ क्या होने वाला है। फिर बोलना कितनी लकी है वो। सोच अगर मैं तेरे घर में घुस के तुझे थप्पड़ मार सकता हूं तो शादी के बाद तेरे साथ क्या क्या होगा। तो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। प्राची अंगूठी लेकर आओ। जी हरी ओ मास्टरनी, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात तो जरूर चल रही है। बात मानो हमारी, जिस तरह वो तुम्हारा यश गया है ना शहर के बाहर किसी काम से, तुम भी निकल लो। वो क्या है कि अम्मा का आदेश है कि तुम्हारा साया गलती से भी श्रुति की शादी पे पड़ना नहीं चाहिए, समझी?
वेदिका जी, कुछ पता चला? जो आपने मुझसे कहा था, मैंने प्रेरित और उसके फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रेरित उसके फैमिली के बारे में कोई गड़बड़ नहीं है, सब चीज़ें सही हैं। मैंने नेबर से भी पूछा, बट वो भी इनके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। ये लो श्रुति, पहना दो। श्रुति ने शर्मा के हाथ पीछे नहीं किया, घबराई हुई लग रही है, बात कुछ और ही है। तुमने सोशल मीडिया पे चेक किया? वो फ्रेंड्स बुक वगैरह आजकल बच्चे उस पर बहुत एक्टिव होते हैं। मैंने वो भी चेक किया, पर वहाँ में सारी इन्फॉर्मेशन सही है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। उसके फ्रेंड्स के प्रोफाइल्स वगैरह, उस पर जो भी कमेंट आते हैं, शायद उससे हमें कुछ पता चल जाए। गुड आइडिया, लो चेक करता हूँ। जीते रहो, कांग्रेचुलेशंस। साहिल आपको इतने रिस्पेक्ट क्यों करता है? आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचती है ना, सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे होती है, और इस फैमिली की मदद कर रही हैं आप, जिन्होंने आपको हमेशा बेइज्जत किया है, हमेशा ताने दिए। आप सच देखो करण, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मैं इस फैमिली की नहीं, मैं एक लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। प्लीज़ तुम जल्दी से जाके पता लगाओ। चेक करता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। तो ना ऐसा क्यों करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता चुका हूं कि करण को भी गलतफहमी हो सकती है। वेदिका जी, श्रुति प्रेरित से बात कर चुकी है, वो सब शरीफ हैं। अरे आप समझ जा रहे हैं वेदिका जी, आप क्यों शक करी उन पे? फालतू में शक करेंगे तो बवाल हो सकता है। साहिल मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है। देखो तुम भाई हो उसके, तुम चाहते हो कि सब ठीक ठाक से हो जाए, पर जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम ही सोचो, शादी 4 दिन में होने वाली थी, उसके बदले कल हो रही है, और उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा, जैसे वो भी चाहते हों कि बस शादी जल्द से जल्द हो जाए। पर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि वो लोग शरीफ लोग हैं वेदिका जी, और अगर आप और मैं हम सब किसी को शक के नजरिए से देखेंगे तो श्रुति की शादी कभी नहीं होगी। अगर वो इतने शरीफ हैं तो श्रुति के चेहरे पर मायूसी क्यों है, खुशी की चमक क्यों नहीं है, वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? हो सकता है कि थोड़ी डरी हुई हो, अभी अभी उसकी शादी होने वाली है, और वैसे भी बढ़िया मैंने उसे चाटा मारा, डर गई है बेचारी। और वेदिका जी 4 दिन बाद होने वाली थी शादी, लेकिन अभी हो रही है, तो कहीं ना कहीं असर हुआ होगा श्रुति पे। साहिल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? साहिल श्रुति की लाइफ हर 20 साल की लड़की जैसी नहीं रही है अभी, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, अगर दोबारा ऐसा कुछ हो जाएगा ना तो पता नहीं क्या कर लेगी। देखो
अगर सब कुछ सही होगा तो पता चल ही जाएगा ना। छानबीन करने में प्रॉब्लम क्या है? कम से कम जिंदगी भर के लिए अफसोस तो नहीं रहेगा। तुम अपनी बहन की जिंदगी के साथ क्यों रिस्क लेना चाहते हो? साहब, मैं उसके लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वेदिका जी, मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी में कोई अड़चन आए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसके बाद उसको सब शादी के बाद झेलना पड़ेगा। आपने मुझे कहा था कि श्रुति से बात कर, प्यार से बात कर, दिलासा दे उसे। मैंने वो सब किया वेदिका जी, और उसने सामने से कहा दैट शी लाइक्स प्रेरित। वेदिका जी, इतना भरोसा मुझे अपनी बहन पर करना पड़ेगा ताकि उसे भी लगे कि मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ। प्लीज कुछ मत कीजिएगा जिससे कुछ अड़चन आए। उसे दूसरी बार खुश रहने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लाइफ में। प्लीज, वो लोग जा रहे हैं, मैं जरा उनको देख आता हूँ। मैं तुम्हें समझ रही हूँ साहिल, पर मैं भी श्रुति की खुशी ही चाहती हूँ, और गलत लड़के से शादी करके वो कभी खुश नहीं रहने वाली है। श्रुति की शादी होगी जैसा बड़ी अम्मा, जैसा तुम और तुम्हारा परिवार चाहता है, पर सही लड़के के साथ। इसका मतलब प्रेरित सही लड़का नहीं है। एक नंबर का कमीना लड़का है वो। 2 साल उसकी गर्लफ्रेंड थी मैं, इतना तंग किया उसने मुझे। उस जैसे लड़की को तो जेल में होना चाहिए। वो जिस लड़की के साथ रहेगा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेदिका जी, तेरे ब्याह को लेकर कितने अरमान थे हमारे मन में। ब्याह इतना हड़बड़ी में होगा ये हमने सोचा भी नहीं था। भाभी जी ठीक कहती हैं, हमने बिगाड़ दिया तुम दोनों को। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। तुम्हारे पापा होते तो शायद सब ठीक होता बेटा। देख श्रुति, तू ये घर ये आंगन छोड़कर कहीं और जा रही है। एक अच्छी पत्नी बनकर रहना, अच्छी बहू बनकर रहना, अपनी माँ का मान रखेगी ना? माँ प्लीज मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में मत करो। प्लीज बढ़िया माँ से कह के थोड़ा और टाइम मांग लो। प्लीज माँ। श्रुति, किस मुंह से बात करेंगे हम भाभी जी से? तूने ही हाँ कही ना सबके सामने, कहा ना, फिर ना कैसे कहेंगे? बेकार की बातें मत करना मेरे सामने आके। समझ ले माँ, तेरे भाई ने वैसे परेशान कर रखा हमको, हमें और बहुत सारे काम पड़े। माँ प्लीज। ए मेरी कानपुरिया बहन, ये ले, बढ़िया मैंने भेजा है। ओके बाय। बाय। क्या हुआ? क्या हुआ कानपुरिया? भाई समझ गया मैं, बचपन से लेके आज तक तू सिर्फ अपने भाई के साथ लड़ते आई है, लेकिन अभी तुझे रियलाइज हो रहा है कि तेरा भाई कितना बड़ा स्टड है। करेक्ट भाई। भाई वो वेदिका माथुर की बेटी का एनएस तो याद है ना? इस बार उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। ओए कानपुरिया, बोल क्या हुआ? यू राइट भाई, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू कानपुरिया। आई मिस यू टू डार्लिंग। शादी मुबारक हो बहना, और अपने पति के साथ खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। चल बाय। हे भगवान, भगवान कुछ मैजिक कर दो, ये शादी अपने आप टूट जाए। गॉड गॉड प्लीज हेल्प। यही रहती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फातिमा। बहुत गालियां दे रही है प्रेरित को। वैसे कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड गालियां नहीं देती, लेकिन अगर आप बात करेंगी तो शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें। प्लीज। आप प्लीज फातिमा को बुलाएंगी, जरूरी काम है उनसे। कौन फातिमा बेटा? यहाँ तो कोई फातिमा नहीं रहती। लेकिन मैं देखिए, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। फातिमा की मदद से हम उसे बचा सकते हैं। प्लीज फातिमा से एक बार हमारी बात करवा दीजिए।
हम बता रहे हैं ना बेटा, इस नाम का इस घर में कोई नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ तुम आ गए। हमने तो सोचा तुम इफ्तार के बाद आओगे कानपुर से। मम्मी कानपुर गई कहाँ? लो जारा भी आ गई। जारा ये गर्दन पे? नहीं वो कुछ नहीं। या अल्लाह ये चोट कैसे लगी? वो मस्जिद के बाहर जारा कुछ औरतों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही थी, बस वहाँ धक्का मुक्की हो गई और जरा सी चोट आ गई। बैठो जरा। मीरम ठीक है? बैठो तुम बैठो। ये वही औरतें हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती है? जी। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? क्यों जा रही हो उनके पीछे? जिंदगी से अहम कुछ नहीं होता है जारा। अम्मी समझाइए इसे जारा, ये नाजुक मामला, इसमें मत फंसो। कबीर हमें कुछ नहीं हुआ, एक हल्की सी खरोच है और हम फंस नहीं रहे हैं इसमें। हम सिर्फ उन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैं अभी फातिमा को मिलके गया हूँ यहीं पर। हम काहे झूठ बोलेंगे बेटा? लगता है अंधेरे में बच्चे से कोई भूल हो गई है। हमें माफ कीजिए, हमने आपको परेशान किया, सॉरी। वेदिका जी मैं चलो। वेदिका जी मैंने खुद देखा है फातिमा को। ठीक है मास्टर ने, ठीक है, मार लो जितने भी हाथ पैर तुम्हें मारने हैं, लेकिन श्रुति की शादी प्रेरित से होकर रहेगी। दूल्हा वो बनेगा और हर रोज सुहागरात हम मनाएंगे। इसाफत को संभालो, कल तक जब तक प्रेरित की शादी नहीं हो जाती उसकी असलियत सामने नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगी, एकदम नहीं। अगर इसने अपना मुंह खोला ना तो हम हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर देंगे। श्रुति की शादी होकर रहेगी, वो 42 साल की बुढ़िया है, हमारे आशिक के इंतजाम में खलल नहीं डाल सकती। यकीन नहीं हो रहा, मेरी छुटकी आज दुल्हन बनने जा रही है, बहुत प्यारी लग रही है। दरवाजे पे बनना खड़ा, दरवाजे की कुंडिया खोल बनी, दरवाजे पे बनना खड़ा, धीरे धीरे खोल तेरे दादा सुन लेंगे, धीरे धीरे खोल तेरे दादा। बेचारी श्रुति, कुछ ही घंटों में ये मिसेस पुनीश तिवारी 2 बन जाएगी। श्रुति क्या हुआ? अब क्या हुआ? श्रुति 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 क्या हुआ इसे? क्या हुआ श्रुति को? चक्कर आ गया से वेदिका जी। बेचारी, इतना अचानक से सब कुछ हो रहा है, टेंशन में आ गई होगी।
पुनीश का मैसेज? मुझे इसका पासवर्ड पता है, ये श्रुति को क्यों मैसेज कर रहा है? शादी मुबारक। और कोई मैसेज तो है नहीं, पर मैसेज किया क्यों? इसका मतलब पुनीश ने अभी भी श्रुति के साथ कांटेक्ट रखा है, वरना शादी हो रही है उसे कैसे पता चलता? अच्छा हुआ श्रुति के फोन से मैंने पुनीश जी के पुराने मैसेजेस डिलीट कर दिए, वरना आज तो वो गए थे काम से। हेलो, थैंक्स बोलिए मुझे, आज आप बाल बाल बचे हैं, वरना आज तो समझ गए ना आप। वैसे आपको ये बताना था कि वो टीचर नहीं, बहुत ज्यादा जासूस बन गई है। पुनीश तिवारी के जाल में से मछली फिसल कर निकल जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। वेदिका माथुर तू चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, श्रुति की जिंदगी को बर्बाद होने से तू नहीं बचा सकती। उसकी शादी तो प्रेरित से होकर ही रही, फिर चाहे उसके लिए हमें तुम्हारी बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े। ये पुण्य का काम हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। अपने आशिक के परिवार के लिए कुर्बान हो जाएगी वेदिका माथुर। देखो साहिल, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि श्रुति की शादी अच्छे से हो जाए, वो ससुराल खुशी खुशी चली जाए, पर शुरू से ही मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और मेरे अंदर की आवाज कभी गलत नहीं होती। पुनीश का मैसेज, श्रुति का घबराया हुआ चेहरा, पहले ना बोल के अचानक से शादी के लिए हाँ कहना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरी बात का यकीन करो, कुछ गड़बड़ है साहिल। कुछ मुझे आप पे यकीन है, और मैं जानता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, क्या करें, चलिए ढूंढते। पर बारात तो 4 घंटे में आ जाएगी,